हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बोगनविलिया के फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो हम बोगनविलिया के प्लांट में कौन सा फर्टिलाइजर ऐड करें जिससे कि इसकी फ्लावरिंग बढ़िया हो जाए। फ्रेंड्स, इसके लिए लिया है मैंने ये बनाना पी, अंडे का छिलका और ये प्याज का छिलका। अब इसको मैं इस पानी में डिप करके कम से कम 24 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, आप इसको ढक करके 24 घंटे के लिए किसी धूप वाली जगह पे रख दीजिए। अगर आप बोगनविलिया के प्लांट के लिए फर्टिलाइजर घर में बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप बनाना पील, अनियन पील और एग सेल का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो बनाना पील होता है वो नेचुरल एनपीके का काम करता है हमारे पौधे के लिए। इसमें पोटेशियम की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, तकरीबन 40 से 50% पोटेशियम केले के छिलके में पाया जाता है। जो प्याज का छिलका होता है वो भी एक बहुत ही बढ़िया सोर्स होता है पोटेशियम का, नाइट्रोजन का और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। जो एक्सेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फ्रेंड्स, इसमें कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये फर्टिलाइजर रेडी हो गया हमारे प्लांट के लिए। इसको हम बोगनविलिया के प्लांट में, रोज़ के प्लांट में और हिबिस्कस में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है हमारे पौधे के लिए। तो चलिए अब इसको हम अपने पौधे में डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को अब हम अपने पौधे में डाल देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ वीकली अपने पौधे में करते हैं तो आपका पौधा जो है वो बहुत ही बढ़िया ग्रो करेगा और उसमें फ्लावरिंग बहुत ही बढ़िया होगी। फ्रेंड्स, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ हर हफ्ते अपने पौधे में करिए और फिर देखिए आपके पौधे की ग्रोथ कितनी बढ़िया हो जाती है और इसमें कितनी बढ़िया फ्लावरिंग होती है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।